हेलो फ्रेंड, तो स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। तो आज हम देखेंगे मेनिनजाइटिस का पार्ट टू वीडियो। तो पार्ट वन में अपन ने देखे थे इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन, इटियोलॉजी, रिस्क फैक्टर, टाइप एंड पैथोफिजियोलॉजी। तो आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन, मेडिकल मैनेजमेंट एंड नर्सिंग मैनेजमेंट। तो अभी देखेंगे क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन। तो उसमें क्या होता है, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन में मेनिनजाइटिस के दो इम्पॉर्टेंट साइन दिए गए हैं। उसमें पहला आता है कर्निंग साइट एंड सेकेंड है ब्रूजिंग साइट। तो कर्निंग साइट में एक्चुअल में क्या होता है, कर्निंग साइट में अगर पेशेंट जमीन पे लेटा है और अगर उसने जो पैर रहता है उसको फ्लेक्स कर दिया, मोड़ दिया है, तो वो हेमिस्ट्रिंग जो मसल लेते हैं उसमें स्टिफनेस आने की वजह से वो पैर को स्ट्रेट नहीं कर पाता। अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो पेशेंट में कर्निंग साइट प्रेजेंट है और मेनिनजाइटिस प्रेजेंट है, ऐसा डायग्नोस किया जाता है। और उसके बाद है ब्रूजिंग साइट। ब्रूजिंग साइट में क्या होता है, अगर पेशेंट सुपाइन पोजीशन में है, उसका जो रहता है नेक को अपर पोजीशन में ऊपर किए, तो उसके हिप, एंकल एंड नी जो रहते हैं वो अपने आप ऊपर होती है। अगर ऐसा पेशेंट में दिख रहा तो वो मेनिनजाइटिस से ऐसा डायग्नोस करते हैं। एंड ये क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन में मेनिनजाइटिस के क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन एंड साइलेंट सिम्टम में ये दोनों साइन में से एक या फिर दोनों भी देखने को मिलते हैं। उसके बाद ये जो इन दोनों को छोड़ के अदर साइलेंट सिम्टम पेशेंट में देखने को मिलते हैं, उसमें है नेक स्टिफनेस। पेशेंट की जो रहती है नेक स्टिफ हो जाती है एकदम से, वो उनको मूवमेंट करने में प्रॉब्लम होती है। उसके बाद है इरिटेबिलिटी, पेशेंट में इरिटेबिलिटी प्रेजेंट रहेगी, स्लीपलेसनेस, उनको नींद नहीं आएगी, स्लीपलेसनेस प्रेजेंट रहेगा। उसके बाद है अल्टर मेंटल स्टेटस, पेशेंट का जो मेंटल स्टेटस रहेगा वो अल्टर्ड रहेगा, उनमें उनमें कन्फ्यूजन प्रेजेंट रहेगा। पेशेंट में मलेज रहेगा, जो बॉडी पेन है, मसल पेन वो प्रेजेंट रहेगा। उसके बाद है हाई ग्रेड फीवर रहेगा पेशेंट को, टैकेपनिया जो रहते हैं इरेगुलर हार्ट बीट इसमें प्रेजेंट रहेगी, एबनॉर्मल जो रैपिड रिदम रहती है वो इसमें प्रेजेंट रहती है। उसके बाद है फोटोफोबिया, सेंसिटिविटी टू लाइट रहेगा, लाइट से वो एकदम सेंसिटिव रहेगा उनको। फिर उसके बाद है फोनोफोबिया, जो लाउंड से पेशेंट को फियर रहेगा, उनको इरिटेशन होगा अगर साउंड अगर उनके आसपास रहा तो। उसके बाद है पेशेंट जो रहता है डिसोरिएंटेशन, वो ओरिएंटेड नहीं रहता है, टाइम प्लेस पर्सन कुछ भी सीधे से ओरिएंटेड नहीं रहता है। और इसमें मेनिनजाइटिस की वजह से पेशेंट कोमा में भी जा सकता है, वो भी क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन देखा जाता है। तो अभी देखेंगे डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन। डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन में सबसे पहले हिस्ट्री कलेक्शन करेंगे, पेशेंट की जो भी मेडिकल, फैमिली, पास हिस्ट्री जो भी है वो कलेक्ट करेंगे। उसके बाद फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे, पेशेंट का हेड टू टॉप फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे। और अभी जो देखे थे कर्निंग साइड एंड ब्रूजिंग साइड वो प्रेजेंट रहेगा इसमें, वो देखेंगे। उसके बाद है ब्लड टेस्ट, पेशेंट की सी बी सी कंप्लीट ब्लड काउंट, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस, ये सभी चेक करेंगे उसमें। उसके बाद है लंबर पंचर, लंबर पंचर करके जो सी एस एफ फ्लूइड रहते हैं उसको निकालेंगे, उसमें कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन, कोई भी इन्फेक्शन प्रेजेंट है क्या वो देखेंगे। उसके बाद है सी एस एफ एनालिसिस, सी एस एफ एनालिसिस जो सी एस एफ फ्लूइड है वो निकल के मतलब कल्चर के लिए भेजेंगे, और उसमें कुछ इंक्रीज हुआ है या फिर बैक्टीरिया कोई इन्फेक्शन प्रेजेंट है क्या वो देखेंगे। सी टी स्कैन करेंगे, एम आर आई करेंगे, स्कल एक्सरे करेंगे, स्कल एक्सरे में कुछ साइनस में इन्फेक्शन है क्या प्रेजेंट है क्या वो देखने को मिलेगा। तो उसके बाद देखेंगे मेडिकल मैनेजमेंट। मेडिकल मैनेजमेंट पेशेंट को एंटीबायोटिक थेरेपी देंगे, उसमें एंटीबायोटिक थेरेपी बैक्टीरियल इन्फेक्शन को ट्रीट करने के लिए देते हैं। तो उसमें एंटीबायोटिक थेरेपी में पेनिसिलिन, एम्पिसिलिन, ये सभी मेडिकेशन दिए जाते हैं, और ये डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन के अनुसार दिए जाते हैं, कितना डोज कितने टाइम में ये देना है ये डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन के अनुसार दिए जाते हैं। उसके बाद है एंटीमाइक्रोबियल थेरेपी,
एंटीमाइक्रोबियल थेरेपी है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म के थ्रू जो भी इन्फेक्शन हो रहा उसको ट्रीट करने के लिए दिया जाता है। उसमें है सेफ्रेटॉक्सोल एंड सिफोटेक्सिन, ये दिए जाते हैं, ये भी डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन के अनुसार दिए जाते हैं। उसके बाद है एंटीवायरल, एंटीवायरल थेरेपी अपन ने टाइप में देखे थे कि ये वायरल इन्फेक्शन के थ्रू भी होता है, तो उसके लिए एंटीवायरल को ट्रीट कर, वायरल इन्फेक्शन को ट्रीट करने के लिए दिए जाते हैं। इसमें असाइक्लोविर एंड टोनोफोविर ये मेडिकेशन मेनली प्रिस्क्राइब किए जाते हैं। उसके बाद है सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट, सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट में पेशेंट को, अगर पेशेंट को फीवर है तो एंटीबायोटिक, अगर पेन है तो एनाल्जेसिक, वॉमिटिंग जैसे है तो उसको एंटीबायोटिक ऐसे ड्रग इसमें दिए जाते हैं। इंफ्लेमेटरी एजेंट में मीथिलप्रेडनिसोलोन ऐसे ड्रग्स दिए जाते हैं। तो अभी देखेंगे नर्सिंग मैनेजमेंट, नर्सिंग मैनेजमेंट में क्या करेंगे, नर्सिंग मैनेजमेंट में सबसे पहले पेशेंट की जो कंडीशन है उसको असेस करेंगे, पेशेंट के जो वाइटल साइन है वो मॉनिटर करेंगे, पेशेंट को सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है ब्रेथलेसनेस है तो ऑक्सीजन उसको प्रोवाइड करेंगे, अगर पेशेंट का इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस है तो उसमें आईवी फ्लूइड पेशेंट को देंगे। उसके बाद है पेशेंट को कंफर्टेबल पोजिशन प्रोवाइड करेंगे। उसके बाद है पेशेंट के जो भी पर्सनल हाइजीन है वो मेंटेन करेंगे, पेशेंट को कंफर्टेबल पोजीशन देंगे, जो भी डॉक्टर ने मेडिसिन प्रिस्क्राइब की थी उसको टाइम टू टाइम पेशेंट को देंगे। उसके बाद जो है पेशेंट का इनटेक आउटपुट चार्ट जो है वो मेंटेन करेंगे, अगर पेशेंट का इंट्राकैनियल प्रेशर बढ़ा है तो उसके वजह से अगर कुछ प्रॉब्लम हो रही पेशेंट को, वो कॉम्प्लिकेशन हो रही तो वो असेस करेंगे, अगर सीवियर में पेशेंट जा रहा है तो डॉक्टर को इन्फॉर्म करके उसके लिए ट्रीटमेंट मैनेज करेंगे। उसके बाद है पेशेंट को जो भी है इन्वायरमेंट है वो क्लीन रखेंगे, उनको उनकी जो प्राइवेसी है पेशेंट की प्राइवेसी वो मेंटेन करेंगे। उसके बाद पेशेंट को हेल्थ एजुकेशन देंगे। आज का हमारा मेनिनजाइटिस टॉपिक यहाँ पे ख़त्म हो गया है, अभी नेक्स्ट टाइप टॉपिक अपन सीवीए देखेंगे, उसमें भी सभी सिस्टमेटिक जो भी आज अपन टॉपिक में देखे थे वो सभी देखेंगे। अगर आपको इस टॉपिक के रिलेटेड कुछ डाउट है तो प्लीज़ आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। आई होप कि आपको ये टॉपिक हेल्पफुल रहे। थैंक यू।